आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार जाली वाले स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं रमज़ान में आफ्ताह के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये सबको पसंद आएगी इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना वन कप मैदा लिया मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून चीनी का ऐड किया है वन टी स्पून ऐड किया सिरका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूँगी वन टेबल स्पून उसके अलावा जो है इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मिल्क ऐड करूँगी मिल्क जो है मैंने वन कप एंड वन फोर्थ कप यूज़ किया है आहिस्ता आहिस्ता मैं दूध ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी बिल्कुल स्मूथ सा जो है हमें लिक्विड चाहिए देखें इस तरह जो है हमारा परफेक्ट लिक्विड तैयार हो गया टेन मिनट्स के लिए छोड़ दें अब जी चार मीडियम साइज़ के आलू ले लें इसको अच्छे से मैश कर लें जब तक मैं मैश करती हूँ आप मेरे चैनल पर जाएं सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें आलू अच्छे से मैश हो गए हैं अब इसमें मैं वन कप के करीब चिकन बॉयल किया हुआ डाल दूँगी उसके बाद वन मीडियम साइज़ का प्याज और एक वो धनिया का ऐड कर दूँगी एक अदद मैंने हरी मिर्च को चॉप कर लिया था अच्छे से वो भी डाल दिया है वन टी स्पून सॉट डाल दूंगी मैं वन टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स डाल दूंगी हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर वन टी स्पून सोया सॉस और वन टी स्पून चिली सॉस डाल दूंगी अगर आपके पास सॉसेस नहीं है तो कोई बात नहीं आप स्किप कर सकते हैं वन टी स्पून मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी और इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी तकरीबन टू टी स्पून अगर आपके पास नहीं है कैचअप ऐड करना है हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और वन एंड हाफ टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वन फोर्थ टी स्पून इसमें मैंने लहसन का पाउडर ऐड किया है अगर पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा लहसन दूसरा डाल सकते हैं और आप जितने स्पाइसेस डालना चाहें उसका टेस्ट उतना अच्छा बन जाएगा जो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं उसके बाद जी आपने चिकन भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो खाली आलू का जो है आप बना सकते हैं रोल रोल सारे बना लिए हैं और लिक्विड भी दस मिनट बाद जो है इसको मैं अच्छे से छान लूँगी मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल दूँगी और नॉन स्टिक पैन जो है उसको गर्म कर लिया मैंने अच्छे से और उसके बाद मैं इसको ब्रश की मदद से मैंने ऑयल फैला लिया अब जी मैं इसकी नेट बना लूँगी जो लिक्विड तैयार किया था बस बहुत आसान है जिस तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ बिल्कुल आपने उस तरीके से बनाना है नेट को अच्छा जी अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं आप शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा जो है आप एक बोतल को सुराख करके छोटा सा वो भी यूज़ कर सकते हैं 30 सेकेंड के लिए मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया और देखें आसानी से ये जो है पैन से रिमूव हो रहा है इसी तरीके से जो है आपने सारी नेट बना लेनी है और गर्म कपड़े में रखते जाएं देखिए आसानी से ये नेट बन गई है इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ मुझे इतना मज़ा आ रहा था ये बनाने में बहुत मजे का काम है ये आप भी इंजॉय करेंगे जब आप बनाएंगे देखिए मैंने इसको हाथों से भी अच्छे से निकाल लिया है तो आपके पास पैचुला नहीं है तो कोई बात नहीं आप हाथों से भी उठा सकते हैं इसको देखें अब इसको जो है ना मैं जहाँ कपड़े में रखूँगी अच्छे से खोल लूँगी और यहाँ जो है मैंने सारी नट्स बना ली हैं बहुत ही मज़े की बनी हुई थी डिज़ाइन प्यारे प्यारे मैंने बनाए थे तो आप जो रोल बनाते हैं आपने नेट को लेना है और उसके ऊपर रोल डाल के आपने जो है इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है नेट की कोई भी शेप हो कोई मसला नहीं है अच्छा जी अब इसको अच्छे से रोल करते जाएंगे और एंड वाला जो पार्ट होगा उसमें हम जो है मैदा और जो पानी है उसका जो पेस्ट बनता है वो हम ब्रश की मदद से लगा लेंगे ताकि नेट हमारी अच्छे से चिपक जाए इस टाइम पर जो है आप सारे रोल बना के फ्रीज भी कर सकते हैं एक माह के लिए अब जी गरम ऑयल में हम इसको डालते जाएंगे ऑयल गरम हो और आप जो है इसकी मीडियम हो जब इसका कलर चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है अच्छा जी यहाँ सारे मेरे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ये रोल और जितना प्यारा लग रहा है उतना खाने में भी मज़ेदार है तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को